वेलकम बैक गाइस, आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज कराने वाला हूं मैं हरिद्वार हर की बॉडी के आपको संपूर्ण दर्शन। और वीडियो की शुरुआत की बात करें, वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं सीसी टावर के पास से। और आज दिन है रविवार का, 21 अगस्त का दिन है। ऐसे में उत्तराखंड में पिछले 3-4 दिनों से जो तगड़ी बारिश हुई थी, जिससे जो 20 तारीख को गंगा जी का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जो एक्सट्रीम लेवल था उसको भी एक्सीड कर गया था, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। खैर, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रिसेंट वीडियो है। तो आज की वीडियो में दिखाने वाला हरिद्वार हर की पौड़ी के ताजाल, कितनी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं, क्या उस चीज़ का इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा हर की पौड़ी घाट पर, जो उत्तराखंड में पिछले 2-3 दिनों से तगड़ी बारिश हुई है। हम खड़े हैं सीसी टावर के पास, जो पुल है उस पर खड़े हैं, जो कि टर्न होकर जाता है। और भाई आगे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ माँ मनसा देवी का मंदिर। अभी इस साइड से थोड़े बादल यहाँ पर आ रहे हैं, जिस वजह से 5 बजे के समथिंग यहाँ पर जो बारिश वाला मौसम यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, लग रहा हो जैसे बारिश होने वाली है। तो इस साइड में काफ़ी बादल हैं और इधर की तरफ भी काफ़ी धुंध वगैरह छाई हुई है, देख सकते हैं इधर की साइड देहरादून ऋषिकेश की साइड, जो पहाड़ वगैरह नज़र नहीं आ रहे। सो आप यहाँ से देख सकते हैं धनुर्धारी है सामने, और माँ गंगा की बहती अविरल जलधारा, जो अभी कल के दिन में जो बहुत कम इस साइड कम कर दिया गया था, जल बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया था, ना के बराबर जल आने दिया जा रहा था हर की पौड़ी की साइड, क्योंकि सिल्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, अचानक जो बारिश हुई रेत बहुत ज़्यादा आ रहा था, जिस वजह से जो नीलधारा गंगा जी में सारा जल जो जाने दिया जा रहा था, इस साइड बंद कर दिया गया था, फिर भी यहाँ पर जल छोड़ा गया था थोड़ा बहुत। तो अभी हम सिर्फ पुल पर खड़े हैं और सामने ही है भगीरथ सेतु करके, ये वाला आप सेतु देखते हैं ना, इसका नाम है भगीरथ सेतु। जब कभी आप हरिद्वार आएंगे तो आपको अगर आइडेंटिफाई करना होगा कहाँ पर है। सो अभी डिसेंट टाइप की भीड़ देखी जा सकती है, क्योंकि देखो शाम का समय है ना, शाम के समय हमेशा ऐसा होता है कि आरती का समय होता है, तो ऐसे में जो भीड़ बढ़ी जाती है, हालांकि हो सकता है दिन में कम रही होगी, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से तगड़ी बारिश हुई, तो न्यूज़ वगैरह में सुनने को मिला और देखने को मिला, जिस वजह से टूरिस्ट वगैरह कम आए होंगे, और मे बी अभी जो आ रखे हैं सभी आसपास के होंगे देहरादून ऋषिकेश वगैरह से, और हो सकता है दिल्ली वगैरह की साइड से भी काफ़ी आए हों। अगर आपको भीड़ देखनी हो तो आप चैनल पर अपलोड वीडियो देख सकते हैं, जिसमें पैर रखने के लिए घाट पर जगह नहीं होती थी, जो सावन के टाइम की है, इसी साल की है। सो आ चुके हैं भगीरथ सेतु पर, इस पुल को भगीरथ सेतु के नाम से ही जाना जाता है, ऐसे में आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं भगीरथ सेतु के नाम से। यहाँ से जो घाटों का नज़ारा और गंगा जी के अविरल जलधारा जो दिखती है ना, वो काफ़ी अलग ही दिखती है। और जैसे कि मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताता रहता हूँ, यहाँ की जो फुटेज है, यहाँ की जो वीडियोस वगैरह वायरल होती रहती है इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे हो चाहे ट्विटर पे हो, सभी जगह पर जो वायरल होती रहती है। ये बगल में है नाई घाट और ये सामने है धनुष। ऐसे इस लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर कभी आप भीड़ वाली स्थिति में फंसें। और सामने है एक क्लॉक टावर। सो वेदर अभी सही हो रखा है, क्योंकि शाम के 5 बजे हैं और दूसरा आसमान में बादल छाए हैं, जिस वजह से वेदर काफ़ी सही है अभी। श्री गंगा द्वार हर की पौड़ी हरिद्वार श्री गंगा सा हर की पौड़ी पर मेन घाट पर जाने का ये रास्ता है, और यहाँ पर आपको जूते चप्पल जो बाहर ही निकाल के जाने पड़ते हैं, दूसरी साइड से जा सकते हैं, वहाँ पर लोकर आपको मिल जाएगा, बट फिलहाल जो अभी जूते चप्पल ऐसे ही यहाँ पर निकाले हुए हैं काफ़ी श्रद्धालुओं ने, तो हम भी इधर की तरफ जाने वाले हैं। अस्थि प्रवाह घाट के जस्ट सामने ही ये मार्केट है, जहाँ से आप अपने लिए सामान वगैरह ले सकते हैं, मालाएँ वगैरह और रुद्राक्षी मालाएँ, या फिर गंगा जल के लिए सामान, या फिर पूजा का सामान, ऑलमोस्ट सारा सामान आपको यहाँ से मिल जाएगा, जिस तरह का भी आपको सामान चाहिए। भाई यहाँ पर जो काफ़ी पॉपुलर है मोहनजीपुरी वाले और रामजीपुरी वाले, ये मिल जाएंगे, और यहाँ पर आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। हमेशा यहाँ पर भीड़ रहती है और हमेशा आपको जो यहाँ पर नंबर लगाना पड़ेगा खाने के लिए। सो फिलहाल चलते हैं हम मेन हर की पौड़ी घाट की तरफ। सो इस मुख्य घाट पर जाने के लिए आपको यहाँ से निकल कर जाना पड़ता है, जूते चप्पल बाहर निकालने के बाद। यहाँ पर जो पानी रहता है, जिससे पैर वगैरह धुलते हैं, और यहाँ पर मैट लगी हुई है, उसके बाद घाट की पर आगे की तरफ जाया जा सकता है। तो ये घाट काफ़ी सुंदर घाटों में से एक है, हर की पौड़ी के मुख्य घाटों में से एक है, और जहाँ पर साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो जूते चप्पल वगैरह अलाउ नहीं है बिल्कुल भी।
सो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने अपने यहाँ पर स्थान ले लिया अपना अपना, और आरती की तैयारी ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है। इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला, अभी वैसे आधे एक घंटे पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। सामने है क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर के सामने जस्ट है प्राचीन ब्रह्मकुंड मंदिर। जो आपने हर की पौड़ी पर देखा होगा, गंगा जी के घाट पर बीच स्थान में बना हुआ, छोटा गंगा जी के बीच में बना हुआ है, धारा के बीच में बना हुआ। और मैं यहाँ पास में आपको दिखाता हूँ, जिस वजह से यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है, जो समुद्र मंथन का दृश्य भी यहाँ पर बनाया गया है और 3D पिक्चर्स वगैरह में बनाया गया है। मैं आगे तरफ आपको चलकर दिखाता हूँ जो उस पूरे दृश्य को दर्शाया गया है जो उस वक्त हुआ था समुद्र मंथन के दौरान, जिस वजह से कुंभ का मेला जो हरिद्वार में भी लगता है। सो गाइस, आप हर की पौड़ी के इस घाट से जो आरती का आनंद ले सकते हैं, साथ ही यहाँ पर सहयोग देख सकते हैं, चाहे आप राशि के रूप में दें या फिर अपने श्रम के रूप में दें, दोनों तरह से आप जो यहाँ पर सहयोग कर सकते हैं किसी भी तरह से जो करना चाहे तो आप। जो सबसे पॉपुलर जगह है वो यही है, और जहाँ पर गंगा जी की वेव्स वगैरह देखने को मिलती है। तो भाई सामने है प्राचीन मंदिर ब्रह्मकुंड, और इस साइड देखिए सभी श्रद्धालुओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, और आरती स्टार्ट होने में अभी समय है। ऐसे में आप पहले आते हैं तो आपको आगे की ओर स्थान मिल जाएगा। और ये देखिए उस साइड हमने जाकर दिखाया था आपको, जिस साइड जूते चप्पल अलाउ नहीं है, उधर का नज़ारा इस साइड से कितना सुंदर दिखता है। ऐसे में आप आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो इस साइड से काफ़ी अच्छा व्यू रहता है, उस साइड आरती होती रहती है, और इस साइड जो स्नान वगैरह अलाउ नहीं है अभी, और काफ़ी अच्छा अभी वाइब्स आ रही है। अभी आरती होने में समय है, आरती के समय पर अलग ही तरह की वाइब्स आती है। बीच में है प्राचीन ब्रह्मकुंड मंदिर, उस साइड है महिला घाट, और उधर भी आरती का समय हो चुका है। अभी कुछ लोग वहां पर स्नान करते हुए आप देख सकते हैं, बट इस साइड भी देखो पूरा क्लीन कर दिया गया है आरती के लिए, श्रद्धालु बैठ चुके हैं। आप लगा लीजिए काफ़ी दूर तक आरती के लिए श्रद्धालु बैठते हैं यहाँ पर, और साफ़ सफाई शुरू हो जाती है पहले ही। ऐसे में आरती में अगर आप स्थान चाहते हैं तो आपको जो काफ़ी पहले यहाँ पर आना होगा, ऑलमोस्ट 5 बजे 5:30 बजे समथिंग आपने पहुँचना होगा। अगर मुख्य घाट पर अगर आपको स्थान चाहिए तो आप ये देख लीजिए, आप यहाँ तक लाइन लग जाती है। तो ऐसे में अगर आप हरिद्वार हर की पौड़ी विजिट करना चाहते हैं, ये डिसेंट टाइम है, अच्छा समय है, इस समय पर आपको ना भीड़ ज़्यादा मिलेगी ना कम मिलेगी। ऐसे में आप डेफिनेटली हरिद्वार विजिट कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी के टाइम में या फिर सावन के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। ऐसे में आप इस टाइम पर अगर विजिट करते हैं तो काफ़ी उचित समय है, क्योंकि मौसम भी सही रहता है, गर्मी नहीं रहती बिल्कुल भी, तो ये बिल्कुल सही समय है, या फिर आने वाले 1-2 महीने भी काफ़ी सही समय है। सर्दियों में तो काफ़ी ठंड यहाँ पर देखने को मिलती है। तो माँ गंगा की आरती के समय हो चुका है, ऐसे में इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि स्नान ना करें अभी भी, तो फिर भी काफ़ी लोग जो स्नान करते रहते हैं इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। ऐसे में अगर आप आते हैं तो आप ध्यान रखें आरती के समय स्नान ना करें, आरती के पहले या फिर आरती के बाद ही स्नान करें। सो आरती स्टार्ट हो चुकी, स्टार्टिंग वाले मंत्र आप सुन रहे हैं यहाँ पर। इस वक्त हम हैं पंतदीप पार्किंग की साइड से आने वाले पुल के ऊपर, और भाई सामने देखते हैं भगवान भोलेनाथ की मूर्ति, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जगह, और यहाँ पर ही है माँ गंगा जी की मूर्ति जो बीचों बीच गंगा जी के बनी हुई है। इस पुल से यहाँ का नज़ारा पूरा पूरा नज़र आता है, मतलब इस पुल की जो हाइट है बहुत ज़्यादा है, ऐसे में जो पूरा व्यू अच्छा नज़र आता है यहाँ से। और देखो यहाँ पर मैं आपको जूम करके अगर दिखाऊँ ना, इस साइड में है माँ चंडी देवी का मंदिर है, जो अभी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि धुंध काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर बात करें इधर, इस साइड मनसा देवी का मंदिर है, जो इधर से तो नज़र नहीं आता लेकिन सीसी टावर के पास से नज़र आ जाता है। Thank you.
सो गाइस गंगे मैया की आरती जो संपन्न हो चुकी है, 7:05 पे संपन्न हुई थी, अभी हो चुके हैं 7:10। अभी देख सकते हैं काफ़ी संख्या में श्रद्धालु बैठे हुए हैं और कुछ अपने स्थान से मूव कर रहे हैं। और ये सामने है ब्रह्मकुंड, अभी की स्थिति देख सकते हैं आप, काफ़ी भक्तिमय माहौल है और यहाँ के जो वाइब्स है वो अलग ही है। और सामने वाला जो पुल है वो भी अभी ओपन कर दिया गया है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ उस पुल पर देखी जा सकती है। सो गाइस आज की वीडियो में दिखाने का प्रयास किया हर की पौड़ी हरिद्वार के ताज़ा हाल, घाटों पर स्थिति क्या है, क्योंकि उत्तराखंड में भी जो बारिश हुई थी जिस वजह से तो काफ़ी संख्या में जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो जल आ गया था गंगा जी में, नीलधारा की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया था जो कि, तो ऐसे में मैंने दिखाने का प्रयास किया हरिद्वार का वेदर किस तरह का। ऐसे में आप आना चाहें तो आ सकते हैं, फिलहाल जो गंगा जी का जल स्तर सामान्य हो चुका, हालांकि हर की पौड़ी पर इस तरह की स्थिति नहीं होती कि आपको जल का सामना करना पड़े अधिक ज़्यादा का, इस तरह की स्थिति नहीं रहती, नीलधारा की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दें लाइक और साथ ही शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब।